भारतीय रेलवे द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत लोगों को रेलवे के कार्यों को बताते हुए फर्जी नियुक्ति के संबंध में जागरूक किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सतर्कता संगठन पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटकों की भी प्रस्तुति की गई, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सतर्कता सप्ताह के तहत लोगों को रेलवे के कार्यों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रेलवे में फर्जी नौकरी का लालच देकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे की नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और इंटरव्यू के बाद नौकरी दी जाती है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि फर्जीवाड़े में ना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में पूर्वोत्तर रेलवे पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई प्रोग्राम रखे गए थे, जैसे कि वॉक फॉर इंटीग्रिटी, जिसमें वॉकाथन था और रेलवे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। फिर सेमिनार आयोजित किए गए स्कूलों में जाकर, जैसा कि रेलवे बार बार कहता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी नीतियाँ भी हैं कि अंत्योदय की बात करते हैं हम लोग। अंत्योदय मतलब पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक सारी चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो इन लोगों ने इस बार गांवों में जाकर स्कूलों में भी जागरूकता फैलाई सतर्कता को लेकर, कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है, कि जब तक सबके सब लोग उससे ना जुड़ें, सबके सारे के सारे लोग उसमें अपना योगदान ना दें, तब तक ये सपना पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरह के अनेकों कार्यक्रम विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा तथा पूर्वोत्तर रेलवे की जो बाकी टीम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। आज इसका समापन समारोह था, जिसमें एक रेलवे स्टेशन पे नुक्कड़ नाटक किया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि किस तरीके से लोग जानकारी के अभाव में फर्जी नौकरियों के चक्कर में भागते हैं, जबकि रेलवे में आज के समय में काफ़ी हद तक डिजिटलीकरण हो गया है और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। सब चीज़ें हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से या जो हम लोगों की ऑथेंटिक वेबसाइट हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग जनता को सूचित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं कि किसी के झांसे में ना आए, और रेलवे में नौकरी मिलने का प्रॉपर तरीका है उसका, ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तभी नौकरी मिलती है। उस चीज़ को इन्होंने नुक्कड़ नाटक में दर्शाया। साथ ही कैसे लोग नकली विकलांग बन के या नकली वेंडर बन के घूमते रहते हैं ट्रेन में, जो चीज़ ठीक नहीं है, या जो दलालों से टिकट लेते हैं और बाद में वहाँ जब TTE आता है तो आइडेंटिटी कार्ड से उनका टिकट का जो नाम है वो मैच नहीं करता है, ऐसे केस में उनको जो असुविधा होती है यात्रा के दौरान, इन सभी चीज़ों को उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दर्शाया गया। उसमें जो रेलवे के ऑफिसर्स थे वो भी सम्मिलित थे, साथ में जो यात्री बंधु थे इस प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने भी उस नुक्कड़ नाटक को देखा। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से लोगों के अंदर जागरूकता का संदेश जाना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए, और उस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। लोगों ने बताया कि ये एक सप्ताह हम लोग इस जागरूकता सप्ताह के रूप में इसको मनाते हैं, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पड़ती है, उसको भी रेलवे मनाता है। इस वर्ष हम लोगों ने एक वीडियो फिल्म भी लॉन्च करी है इन पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो पूर्वोत्तर रेलवे के डिफरेंट डिपार्टमेंट को कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं उनको दर्शाया गया है। तो इस दिशा में रेलवे कार्य कर रही है, जागरूकता फैला रही है, सभी से रेलवे को सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।